हरगुडे यांचा संघ तर दुसऱ्या, हरपुगडे यांचा संघ तर दुसऱ्या बाजूला, सिंहगड अमितजी मराठे यांचा संघ। पंचांना विनंती आहे सर दोनच मिनटं। या दोन्ही फलंदाज सध्या मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचले आणि अगदी काही क्षणांमध्ये सुरुवात होईल, ते अपडेट केले जात आहेत, त्यामुळे पंचांना विनंती आम्ही केली एकच मिनिट आपण थांबूया। समालोचन कक्षामध्ये ज्यांचा आवाज आपण सातत्याने ऐकतोय, 1994 दशकापासून, 1994 वर्षापासून ज्यांनी समालोचन गेली 10 राज्य आणि 1 वर्ष आपण ज्यांना ऐकत आलोय, राष्ट्रभाषा हिंदी त्याचबरोबर आपली मायबोली मराठी, 10 ते 12 पुरस्कार प्राप्त प्रशांत जी आदवडे सर आमच्यासोबत जोडले गेले। सर आपले देखील कॉम्बॉक्समध्ये स्वागत आहे। आणि इधर 18 तारखेला 11व्या राज्यात ते जाणार आहेत, त्यासाठी देखील त्यांना शुभेच्छा आहेत। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रशांत जी आदवडे सर आपल्याला समालोचकाच्या भूमिकेत लाभले, ते आपले देखील भाग्य आहे। नो बॅक टू क्रिकेट, ऑल सेट नंबर सिग्नल, लेट्स प्ले मॅच ला सुरुवात। शुक्रिया गोपी, वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। टपकारी के बाद अंदर की तरफ आई गेंद, गली क्षेत्र में खेल दिया है खिलाड़ी ने। बल्लेबाज बैटर की बात करें तो प्रारंभिक बल्लेबाज संकेत रफिक और संकेत प्रारंभिक बल्लेबाज। ये प्रतियोगिता का आज का पहला दिन, कल ग्रैंड फिनाले, बहुत ही शानदार आयोजन मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान द्वारा, हनुमान नगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024। टपकाने के बाद दोबारा अंदर की तरफ आते हुए गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात है, रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 2 रन बगैर किसी नुकसान के। कुपी इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि पहला मैच आप खेल रहे हैं तो आपके टीम का जो संतुलन होता है वो एक बार फिर अच्छा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बोरिंग पार पर गेंदबाज तैयार है, टपकाने के बाद उछाल, उच्च कद के गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं समीर, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, अनुभव इनके पास, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन, उच्च कद का फायदा उठा रहे हैं। आई एम एक्सेल से जब आप गेंदबाजी करते गोपी तब उछाल मिलता है और वो उछाल सही इलाके पे गए और सही दिशा के साथ गेंदबाजी समीर द्वारा। अगदी बरोबर उल्लेख तुम्ही केला, आय एम एक्सेल ज्या भी असते एक चांगला अँगल तुम्ही बनवू शकता आणि तेच सध्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते। अकूट टप्प्याचा बॉल ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे थोडंसं अपील केले आणि आपण पाहतोय मंचावर आदरणीय हर्षदजी निकम युवा उद्योजक आहेत, त्यांच्याबरोबर आदरणीय अतुलजी हनमगरे युवा उद्योजक, हे दोन्ही आमचे मान्यवर या ठिकाणी आलेले आहेत। आपलं पुण्याचं एकदा मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान आयोजित हनुमान नगर क्रिकेट प्रीमियर लीगमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। समीर अपने बोरिंग पर तैयार, राइट अप ओवर द विकेट, इस बार घूम कर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, रिकॉर्ड पे तालियों की आवाज़ में सुन रहा हूँ, किसी टीम की इतनी तालियां अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पहली बार रिकॉर्ड से तालियां रहे हर रन के लिए, बिल्कुल तालियां आती भी। रफीक 1, संकेत 2, सुंदरी स्ट्राइकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, सुंदरी स्ट्राइकर की बात करें तो रंजीत हरपुड़े टीम के ओनर, सिंहगढ़ योद्धा अमित मराठे। प्ले किया ऑन साइड पर, अच्छा स्ट्रोक है, गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन की तरफ आ रही है, खिलाड़ी तैनात बॉडी लाइन पर, जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। ये तालियां जो आ रही है ना उसका फायदा क्या अपने टूर्नामेंट के लिए भी होगा, टीम के लिए भी होगा, यहाँ से माहौल बनेगा सिंहगढ़ के इस खूबसूरत मैदान पर। पहले ओवर का खेल, स्कोर अगर देखे तो रन संख्या 6 रन बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर में बल्लेबाज रफीक 3 पर और संकेत 2 पर बल्लेबाजी करें, समीर के 5 गेंदों में गोपी 6 रन आए हैं। सुरुवात चांगली राहिली परंतु गोलंदाजाचं देखील कौतुक करावं लागेल, चांगली लाईन वर सध्या तो गोलंदाजी करतोय, लो फुल टॉस होता मिड ऑन मध्ये, चांगला झेल टिपला आणि एक मोठा धक्का देत असताना पहिला ब्रेक थ्रू मिळतोय, रफीक होतो इथे बाद 6 या धावसंख्येवर, पहिला धक्का बसतोय टीमला शिवनेरी स्ट्रायकरला। पिच उठकर खेलने की कोशिश फॉलो किया गया समीर द्वारा, लो फुल टॉस गेंद थी और दारी के अंदर खिलाड़ी तैनात था तो अच्छा कैच। स्कोर पहले ओवर के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर, सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। समीर की बेहतरीन गेंदबाजी,
रफीक जिन्होंने चार गेंदों में 3 रन बनाए, इंपॉर्टेंट बिल्कुल बल्लेबाज, प्राइसलेस विकेट। पुनीत बालन ग्रुप में देख रहा हूँ, अक्षरीज हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल है टूर्नामेंट सफल बनाने के लिए। और गोपी पुनीत बालन बहुत बड़ा ग्रुप है, लेदर क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट की परिभाषा जानने वाले लोगों को सबको पता है पुनीत बालन ग्रुप। नुकतंच त्यांच्या माध्यमातून आम्ही फ्रेंडशिप कप 2024 तिसरे एडिशन देखील पाहिलं। पुणे नगरीतील जे सर्व आपले सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आहेत, त्याचबरोबर देवी मंडळ आहेत, ढोलताशी पथकं आहेत, त्यांच्यासाठी ती स्पर्धा घेतली गेली। आणि आदरणीय पुनीत बालन सरांचं खूप मोठं योगदान क्रिकेटप्रती देखील राहिलेत, महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनसोबत देखील ते खूप चांगल्या पद्धतीचं योगदान देतात आणि क्रिकेट वेड व्यक्तिमत्व, क्रिकेटची जाणकार आहेत, स्वतः देखील चांगले क्रिकेट खेळतात आणि त्यांचं या स्पर्धेसाठी देखील खूप चांगले योगदान राहिले। प्रशांत सर बिल्कुल, इस बार टिप्पा खाने के बाद उछलता ऑफ टाइम के बाहर वाली लाइन, अच्छी दिशा, अच्छा कंट्रोल था, बैक पर जाके गेंद को खेलने की कोशिश बल्लेबाज द्वारा। आकाश न्यू बैटर, देखिए किस तरह से बैक पर जाके खेलने का प्रयास, इतनी जगह नहीं थी, सुंदर गेंदबाजी अमन द्वारा। अमन अपनी बॉलिंग मार पर तैयार, इस पर फ्लाइट के पॉइंट कवर, इस कवर पर खिलाड़ी तैनात है, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, डगआउट में अभी भी वो तालियां बज रही है। स्कोर 6 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, ओवर इस वक्त दूसरा प्रगति पर, अमन का स्टार्ट अच्छा है। दोबारा बैक फुट पर गेंद को, स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक ही गेंद को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ आंखों आंखों में इशारा करते हुए 1 रन पूरा किया। गोलंदाजी चांगली राहिली आहे, दुसऱ्या ओव्हर मध्ये पॉवर प्ले मध्ये आपण पाहतोय, इसऱ्या गोलंदाजी करत असताना अमन 2 बॉल मध्ये 1 धावते खर्च केले, रफीकच्या रूपाने पहिला गडी बाद झाला होता। आठवं सीझन, आठवं पर्व, त्यातच सर्व आणि सध्या संकेत स्ट्रायकिंग इनला, बॅक फुटला गेलाय, फटका चांगले, क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह, कोणी हलणार नाहीये, फक्त बॉल हलेल, सीमा रेषा पार, येतोय चौकार। सुंदर स्ट्रोक, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, ऑफ टंप के बिल्कुल थोड़ा बाहर गेंद थी, देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया और पीछे हटके शॉट के लिए जगह बनाई और बहुत खूबसूरत स्ट्रोक था, क्योंकि पावर प्ले ऑन है तो गैप में खेलना बहुत टाइमिंग रिप्लेसमेंट बहुत ही खूबसूरत, ये चौके के मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आपने सही कहा था, हिलने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्कोर बोर्ड थोड़ा हिल गया है। इनसाइड आउट गेंद को खेल दिया, पॉइंट और कवर के बीच सेकेंड बॉल के बाद 4 रन, एक्सलेंट बैटिंग और दर्शकों के तालियों का, सीटियों का बढ़ गया शोर और एक बार फिर बल्लेबाज ने लगाया जोर, यह लगा शानदार फोर। यस थैंक यू डीजे, एक्शन रिप्ले मध्ये पाहायला मिळते, बॉल थोडासा पुढे टाकला, मागे गेला, जागा बनवली, रूम बनवला आणि त्यानंतर क्रॅकिंग शॉट, एखादा फटका आपण पाहतो, चाबूक शॉट म्हणावं लागेल आणि दे घुमाके खेळत असताना बॅक टू बॅक 2 चौकार आले संकेतच्या बॅटमधून। संकेत और आकाश दोनों बैटर मैदान के अंदर, आकाश जो नए बैटर है बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब गेंद मिस टाइप, तो गेंद के नीचे खिलाड़ी स्ट्राइक कवर पर लिया कैच आउट, आकाश ने आकाश में खेलने की कोशिश जरूर की, हमला करने की कोशिश, शिकार बन के बैक टू द पेवलियन चले गए और सफलता मिली अमन को, शूनरी स्ट्राइकर के उम्मीदों को ये बहुत बड़ा झटका, प्राइसलेस विकेट। खरं तर गरज नव्हती प्रशांत सर, ज्या पद्धतीने हा फटका खेळा, खराब शॉट सिलेक्शन असंच मी म्हणेल, कारण 2 चौकार आले होते, त्यानंतर संयम दाखवणं गरजेचं होतं, पॉवर प्ले मध्ये तुम्ही खेळताय, धावा येत आहेत तुमच्या बॅटमधून, एक कडी ऑलरेडी बाद झालाय, अशा वेळेला जोखीम घेतली परंतु ती पत्त्यावर पडते क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या टीमवर आणि त्यानंतर शिवनेरी स्ट्रायकर्सला हा दुसरा धक्का बसतोय, 15 धावा, 2 गडी बाद, अमनच्या खात्यात ही विकेट। कॉपी देखिए, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन फिलहाल मार्केट में सारे फल मिलते हैं, सब्र का फल नहीं मिलता। या ठिकाणी सर्व टीमच्या कॅप्टनने विनंती करतोय, आपल्या जेवणाची जी व्यवस्था आहे त्याचं नियोजन आमच्या समालोचन कक्षामध्ये केलं जाणार आहे, त्यामुळे संघाचे संघनायक आणि उपकर्णधार आपण कॅप्टन, ऑल कॅप्टन, सर्व कर्णधार आपण यावेळेला समालोचन कक्षाकडे यायचे। हनुमान नगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 आप देख रहे हैं, स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर, संकेत 2 पर खेल रहे,
न्यू बैटर अनिकेत अब आप एक रेस्ट कवर पर खिलाड़ी बिग विकेट सेलिब्रेशन करने का मौका अमर को मिलता बाम विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। सुंदर बहुत ही सुंदर गेंदबाजी शॉट अच्छा नहीं था याचा सर अपन उल्लेख केला संयम असणं गरजेचं आहे संयमाचा बुरुज ढासळला होता तिथे विकेट मिळाले आणि पहा लगेचच दुसऱ्या बॉलवर देखील फलंदाजाने तेज केलं जे करायचं नव्हतं आणि ते पथ्यावर पुन्हा एकदा पडतंय गोलंदाजाच्या आणि बॅक टू बॅक दोन धक्के दिले गेलेले दोन षटकांचा खेळ संपतोय पॉवर प्ले मध्ये जिथे 15 धावा झाल्यात आणि 3 गडी बाद झाले सुरुवात चांगली राहिली होती परंतु आता दबाव टाकण्यात गोलंदाजी करणारा संघ सिंहगड येथे पुन्हा एकदा कमबॅक करताना पाहायला मिळतोय सर बिलकुल कमबॅक करणं आना चाहिए और कमबैक करते हुए इस वक्त गेंदबाज इंपॉर्टेंट मुकाबला स्कोर अगर देखो तो रन संख्या 15 रन सर्व टीम च्या कैप्टन ने विनंती है अपनी जेवणाची व्यवस्था इथून समर्जन कक्षा मधून केली जाणार आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक टीम चा कैप्टन किंवा उपकर्णधार किंवा एक प्रतिनिधि जरी आला तरी चालेल प्रत्येक संघामधन दोन दोन खेळाडू कर्णधारावर एक अशा प्रकारे प्रत्येक टीम मधन दोन खेळाडू इथे आमच्या बरोबर येतील समर्जन कक्षा मध्ये आणि मग प्रत्येक संघाची जेवणाची अत्यंत सुंदर अशी व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे प्लीज रिक्वेस्ट आहे कॅप्टन प्लीज कॅप्टन सर्व संघाचे कर्णधार समालोचन कक्षामध्ये येतील 15/3 न्यू बॅटर अनिकेत संकेत दो पर बल्लेबाजी करे समीर कय्यबा दुसरा ओवर पहिले ओवर में केवल 6 रन दिए थे और एक सफलता अर्जित की थी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था थर्ड बैट पॉइंट एक कवर पर खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे जोरदार अपील लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है गेंद और बल्ले के बीच अच्छा संपर्क करना बहुत जरूरी संपर्क नहीं हो रहा है स्कोर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल गोपी पर जारी है मैदान के अंदर तीसरे षटक आपण पाहतोय समीरच्या खांद्यावर आता जबाबदारी आली तीसऱ्या षटकाची धावा गरजेच्या धावा रोखल्या गेल्यात आणि इथे देखील फटका फसला आहे असं चित्र आणि तीन क्षेत्ररक्षक परंतु झेल हातातून निसटले इथे देखील संधी होती खराब क्षेत्ररक्षण जीवनदान मी इथे संकेतला सुंदरी स्ट्राइकर के खेमे में सन्नाटा कोई आवाज नहीं है पहले ओवर में जब रन बन रहे तो बिल्कुल तालियों की आवाज आ रही थी दूसरे ओवर की बात करते हो अच्छा ओवर अमन का इसी ओवर में दो चौके आए थे और गोपी ने कहा था कि अभी आपको वो बड़े स्ट्रोक की तरफ नहीं जाना था लेकिन आप मोमेंटम के साथ जाना चाहते थे उस वक्त विकेट गिर गया दबाव आपके ऊपर बिल्कुल बढ़ता गेंदबाजी कर गेंदबाज समीर तैयार राइट अप और दो विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री की तरफ गेंद आ रही है एक रन मुकम्मल किया दूसरे के बारे में सोच रहे दूसरे के लिए पलट गए विकेट के पीछे अच्छी दौड़ लगाते हुए दो रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ टोटल बन गया है 18 प्लस ऑफ 3 विकेट तो नेक्स्ट मैच साठी कॉल असेल तोरणा ट्रैकर्स आणि विशाळगड फाइटर्स दोन्ही टीमचे कॅप्टन बी रेडी फॉर नेक्स्ट मैच यानंतर तुमचा सामना इथे रंगेल तोरणा ट्रैकर्स आणि विशाळगड फाइटर्स दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण तयार राहायचे त्यानंतरचा सामना आपल्या दोन टीमच्या दरम्यान असणार आणि नाणेफेक ही मध्यंतरानंतर या मॅचच्या मध्यंतरामध्ये घेतली जाणार आहे धावसंख्येच्या दिशेने जाऊया नो बॅक टू क्रिकेट 19 धावा स्कोर कार्डवर 3 गडी गमावलेत ओवर नंबर 3 मध्ये सध्या चांगली गोलंदाजी आपण समीरकडून पाहतोय पहिला चेंडू त्याने निर्धाव टाकला त्यानंतर सिंगल खर्च केली त्यानंतर दोन धावा आल्या आणि आता सिंगल म्हणजे मोठे फटके खेळण्यापासून कुठेतरी वंचित ठेवले फलंदाजांना समीर तैयार इस बार हवा में उछाला हवा में बहुत ही खूबसूरत गेंद बॉल लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी संकेत इनका नाम गेंद को बॉल लाइन के बाहर भेजना इनका काम गेंद बॉल लाइन के बाहर 6 रन एक्शन रिप्ले मध्ये पाहूया कशा पद्धतीने हा चेंडू इथे टाकलाय बॉल थोडासा पुढे टाकला अगदी स्लॉट मध्ये होता आणि त्यानंतर हा फटका संकेतच्या बॅट म्हणून आलाय आणि शांत राहिला नाव संकेत आणि त्याने हा संकेत दाखवलाय समीरला येतोय षटकार धावसंख्येला आकार मिळेल 25-3 गडी बाद तिसरे ओव्हर के आखिर गेंद अपने बॉलिंग पर समीर तैयार इस बार ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर पर बॉल पर खिलाड़ी मौजूद है उनके पास कोई मौका नहीं है संकेत कम बॉल के स्ट्रोक बैक टू बैक किए दूसरा सिक्सर 20वां सिक्सर इस प्रतियोगिता का गोपी आपने सही कहा कि संकेत बहुत इंटरेस्टिंग पारी खेल रहे शानदार बल्लेबाजी
पहले स्टंप के अंदर आके एक बार फिर गेंदबाजी करना चाहते, स्टंप के अंदर गेंद को डालना चाहते थे समीर, उसके ऊपर प्रहार, उसके बाद में थोड़ा पीछे हटके डीप स्ट्रक पर बॉर्डर के बाहर भेज दिया था बल्लेबाज संकेत ने। संकेत प्लेइंग ऑन 15 स्कोर 31 31 फॉर 3 आफ्टर 3 ओवर। शेवर का मुकाबला जरपर के लिए रुका हुआ है, यानंतर होणारा सामन्याचा पुन्हा एकदा अनाउंसमेंट केले जाते। विशालगड आणि तोरडा दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण सज्ज राहायचं आहे। धावपळका दबा 31 तीन गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 31 फॉर ऑफ 3 विकेट। तीन षटकांचा खेळ सध्या संपला, 31 धावा स्कोर कार्डवर तीन गड्यांच्या मोबदल्यात आपण पाहतोय। मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान आयोजित हनुमाननगर क्रिकेट प्रीमियर लीग आठवं पर्व आणि आज आठव्या पर्वाचा पहिला दिवस, दर्जेदार आणि नेटके आयोजन या संपूर्ण स्पर्धेचे आयोजक म्हणून आपण पाहतोय। जावेदभाई शेख आणि त्यांच्या बरोबरीने लिंबाजीजी दिघे आणि त्यांची संपूर्ण टीम भरपूर चांगले योगदान या स्पर्धेच्या यशस्वीतेसाठी घेत असते। आठव्या पर्व देखील तेच आपण पाहतोय। सर्व आमची पुरस्कर्ते आपले देखील खूप खूप धन्यवाद। एक मोठी लढत आपल्याला पाहायला मिळते शिवनेरी विरुद्ध सिंहगड, या दोन टीमच्या दरम्यान हा सामना इथे रंगलाय। पहिल्या डावामध्ये तीन षटकांचा खेळ संपलाय आणि 31 धावा स्कोर कार्डवर तीन गड्यांच्या मोबदल्यात। थोडासा अडचणीत आला होता संघ, परंतु करंट रनरेट खूप चांगला आहे या टीमचा, 10.33 असा आपल्याला करंट रनरेट पाहायला मिळतो आणि या सरासरीने जर संघ इथे खेळला तर एक चांगली टोटल बनू शकते। परंतु दुसऱ्या बाजूला आता गोलंदाजी करत असताना सिंहगडचे गोलंदाज देखील तेवढंच कमबॅक करतील, काही विकेट्स त्यांनी घेतल्यात आणि हे बॅटल रंगेल। आज दुपारचं सत्र आपल्याला पाहायला मिळते। रणजितजी हारपुडे यांचा संघ शिवनेरी स्ट्रायकर्स, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय आदरणीय अमितजी मराठे सिंहगड योद्धासाठी संघ मालकाच्या भूमिकेत, यांचं देखील खूप चांगले योगदान। चौथ्या ओव्हरच्या दिशेने जाऊया, थोडीशी चर्चा रंगली आहे मैदानाच्या आतमध्ये, पाणी देखील गेलं आणि आता कहाणी बदलेल का, टेलिग्राम देखील पोहोचलाय। नेक्स्ट मॅचचा टॉस देखील होईल, तिथे तोरणा ट्रॅकर्स आणि विशाळगड फायटर्स इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस घेतला जाईल। आता मॅचच्या दिशेने जाऊया, गोलंदाजी मागवर आलाय अमर, वैयक्तिक कोट्यातलं त्याचं हे पहिलं षटक। ओदी विकेटने पहिला चेंडू फुडी टाकलाय, बॉटमॅनचा वापर करत असताना चांगला ड्राईव्ह इथे पेश केला, एक्स्ट्रा कव्हरला बॉल चाललाय, क्षेत्ररक्षक पोहोचेल तोपर्यंत दोन धावा इथे प्राप्त होत आहेत। रनिंग बिटवीन द विकेट खूप चांगले, पॉझिटिव्ह इंटेंट सकारात्मक विचार इथे दाखवलाय, प्रत्येक बॉलवर रन घ्यायचे आहेत, धावा गरजेचे आहेत आणि अगदी पहिल्या बॉलवर दोन धावा इथे प्राप्त केल्या। या दोन धावांनी धावफलक पुढे चालले, टीमची टोटल 33 तीन गडी बाद। अमरचा हा चेंडू कमी गतीचा होता, पिक केलाय डीप स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक, यावेळी एकच धाव इथे मिळणार आहे। सिंगल, सिंगलवर खुश होतील, समाधानी होत आहेत दोन्ही बॅटर्स, संकेत आणि संतोषी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये या डावाला आकार देत असताना आपण पाहतोय। 34 धावा स्कोर कार्डवर, ओ नंबर 4 मध्ये गोलंदाजी करत असताना आपण अमरला इथे पाहतोय। एक चांगला खेळाडू, अनेक वर्षांचा अनुभव त्याच्या समोर, सध्या संकेत 6 बॉल मध्ये 15 दोन षटकार त्याने ठोकले आणि यावेळी हेलिकॉप्टर उडवलंय, लँड केलंय काउ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, आणखीन एक धमाका षटकार। यस थँक यू डीजे। ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहिलं, हेलिकॉप्टर इथे उडवलंय, लँड केलंय काउ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि ताकद आहे या खेळाडूची, त्याने सांगितलंय येस टायगर अभी जिंदा आहे। आणि यासाठी आपण नेहमी म्हणत असतो, मन मेंदू आणि मनगट एकत्र आलं की समोरच्याला आसमान दाखवता येतं, आसमानी टोला होता या फलंदाजाच्या बॅटमधून। आणि त्यानंतर आता धावफलक पुढे चाललाय, पंचांचा इशारा येतोय, मॅच बॉल मैदानाच्या आतमध्ये पाठवा। 2002 इंग्लंडच्या विरोधात भारतीय संघ नेक्स्ट बेस्ट सिरीज खेळत होता आणि तिथे पहिल्यांदा क्रिकेटचा देव सचिन रमेश तेंडुलकर यांनी हेलिकॉप्टर खेळला होता। हॅलो, त्यानंतर हा फटका। सर 2 मिनिट, सर्व खेळाडू विनंती आहे, आपण केल्यानंतर त्याच्या प्लेट्स असतील त्या एका जागी गोळा करून ठेवा, इतर सकळ टाकू। यस थँक्यू, जेवण झाल्यानंतर ज्या रिकामी प्लेट्स असतील त्या एकाच जागी ठेवा, ती आपली जबाबदारी आहे, ही विनंती वजा सूचना आहे। नाऊ बॅक टू क्रिकेट, आपण हेलिकॉप्टरची चर्चा केली, त्यावर देखील आपण नक्की चर्चा करणार आहोत। गोलंदाज तयार इथे अमर, अमरच्या विरोधात फलंदाज तयार, हाफ ट्रॅकर बॉल इथे थोडासा बाउन्स होता या बॉलने, फलंदाज संकेतला विचारला असेल हॅलो गुड आफ्टरनून जेवण झालंय का,
एवढा चांगला बॉल होता आणि त्यानंतर विकेट किपरच्या हातात चला डॉट बॉल. ही लाईन चांगली आहे. आधीच्या बॉलवर आपण पाहिलं हेलिकॉप्टर उडवला, त्यानंतर लाईन थोडीशी चेंज केली, इम्प्रोवायझेशन चांगले राहिले आणि अखेर हा डॉट बॉल आलाय. 40 धावा स्कोरकार्डवर, 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. परंतु संकेत कच्च्या गुरुचा चेला नाहीये. आज त्याने प्रभावित केले 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिलेत आणि भरपूर अपेक्षा टीमकडे. या बॉलला कव्हर्समध्ये खेळलाय, लांबी नाही आहे बॉलवर, थोडंसं एलिव्हेशन जरूर डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. 2 क्षेत्ररक्षक बॉल मागे धावतील आणि तोपर्यंत 2 धावा इथे प्राप्त केल्या. या 2 धावांनी धावफलक पुढे चाललंय. 42 अंपायर सिग्नल येतोय. 1 चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. येस थँक्यू. प्रत्येक चेंडूची चांगली अपडेट टेनिस क्रिकेट डॉट इन, त्याचबरोबर आमचे मॅन्युअल स्कोरर टेनिस क्रिकेट डॉट इन, कामात इमानदारी हेच तर त्यांची ओळख आहे. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, कमी गतीचा बॉल, फिंगर रोल केले, चेंज ऑफ पेस, गतीमध्ये परिवर्तन आणि अखेर शेवटचा बॉल इथे डॉट बॉल येत असताना 4 षटकांची केस इथे संपुष्टात. 4 षटकांचा केस संपला. ऍक्शन रिप्लेमध्ये पहा, फिंगर इथे रोल केले, शरीरापासून थोडासा दूर खेळण्याचा प्रयत्न आणि अखेर डॉट बॉलने ओव्हरची इथे समाप्ती झाली. 4 षटकांचा केस संपले. धावसंख्या 42, 3 कडी बाद शिवनेरी स्ट्रायकर्स. 2 षटकं अजूनही शिल्लक आहेत. संकेत खेळतोय 10 बॉलमध्ये 23/230 त्याचा स्ट्राईक रेट. दुसऱ्या बाजूला संतोष 4 बॉलमध्ये 6 धावांवर खेळतोय. प्रत्येक चेंडूची चांगली अपडेट करत असताना आमचे टेनिस क्रिकेट डॉट इनचे गुणलेखक सौरभ आणि मॅन्युअल स्कोररच्या भूमिकेत आमचे मित्र केतन, जे एका टीमचे कॅप्टन देखील राहिले आहेत. आज सकाळ सत्रात त्यांना आपण खेळताना पाहिले, हसता हुआ नुरानी चेहरा, सातत्याने चेहऱ्यावर स्माईल. आणि त्याने देखील सांगितले हे होतच असतं क्रिकेटमध्ये, एखादा दिवस आपल्यासाठी अपयशी असतो. याचा अर्थ असा नाही की आपण खूप कमी दर्जाचे आहोत. नेक्स्ट मॅचमध्ये तुम्हाला भरपूर शुभेच्छा. आणि इनिंग ब्रेकमध्ये नेक्स्ट मॅचचा टॉस देखील होईल, जिथे देखील 2 संघ लढणार आहेत आणि तो टॉस असणार आहे. तोरणा ट्रॅकर्स विथ विशाघर फायटर्स, गोलंदाजी माकोर ओव्हर नंबर 5. हे विठ्ठल पहिला बॉल, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाचा धावा आता केलाय. पहिल्या बॉलवर डॉट बॉल, विठ्ठल आलाय गोलंदाजी माकवर. संतोषच्या विरोधात चांगला लाईनवर चेंडू टाकल्याने तिथे डॉट बॉल. पुन्हा एकदा फिंगर रोल केली आउटसाइड ऑफ स्टम्प, यावी लाईन थोडीशी खराब. अंपाय सिग्नल, पंचांचे हात समांतर झालेत. 10 अवांतर मिळेल, पण तू ओव्हर थ्रो देखील केलाय. पंचांचा निर्णय येतोय. अक्षय निर्मल सर सध्या पंचांच्या भूमिकेत. एका छोट्याशा स्पर्धेतून झालेला, सुरू झालेला हा प्रवास आज मोठमोठ्या स्पर्धांपर्यंत पोहोचलाय अक्षय निर्मल सरांचा. आणि एक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये त्यांना आपण पंचांच्या भूमिकेत पाहतो. आणि सध्या त्यांनी व्हाईट बॉलचा सिग्नल देखील दिला. अभी फुल टॉस, परंतु आउटसाइड लेग स्टंप पायावर टाकण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा सिग्नल, अतिरिक्त धावा इथे मिळत आहेत. धावसंख्या 44 वरून आता 45 वर पोहोचली. 45 रोहित शर्मा, काल देखील आपण पाहिलं मार्क उडला 151.2 एवढ्या गतीचा बॉल टाकला होता आणि त्याच्यावर पुलचा षटकार त्याने ठोकला. जर्सी नंबर 45, धावा झालेत 45. यावी फटका चांगला आहे, इन साइड आउट, वन शॉट, शॉट ऑफ द डे, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट. ऍक्शन रिप्लेमध्ये पहा, एक अँगल बनवला आणि त्यानंतर बॉल पोहोचलाय डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. काय शॉट इथे सजवलाय, अफलातून टायमिंग. बॉल पाठवा मैदानाच्या आतमध्ये. व्हॉलंटियर्स आपल्याला प्रत्येक घडामोडीवर नजर ठेवायची आणि या षटकार आणि आता धावफलक 50 अप. 51 धावा स्कोरकार्डवर, 3 गडी बाद संकेत पोहोचले 11 बॉलमध्ये 29. संतोष अजूनही शांत खेळ करतोय. विठ्ठलने आतापर्यंत चांगले चेंडू टाकले, परंतु त्यानंतर विठ्ठलच्या विरोधात संकेतने सांगितलंय शांत राहिला मी काय संत नाही आहे. आणि जसा स्लॉटमध्ये बॉल टाकला त्याच्यावर हल्ला चढवला हेच गरजेचं राहतं. चला बॉल पाठवा मैदानाच्या आतमध्ये आणि आता धावांचा रती वाढवला जातोय. दोन्ही टीमकडे चांगले खेळाडू आहेत. सिंहगड योद्धा विरुद्ध आपण पाहतोय शिवनेरी स्ट्रायकर्स. परिषद शिवनेरी स्ट्रायकर्स एक चांगली स्ट्रायकिंग एंडमधून फलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतोय. आदिने रणजितजी हरपुडे यांच्या मालकीचा संघ. आदरणीय रणजित दादा देखील या मॅचचा आनंद घेत आहेत डगआउट्समधून. हे क्रिकेटवेडे व्यक्तिमत्व, आपले देखील पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. नो बॅक टू क्रिकेट. धावसंख्येला इथे वेग मिळालाय. मुंबई ते पुणे अंतर कापायचं होतं. मुंबईमध्ये आपण पाहिले तर संकेत एका लोकल ट्रेनमध्ये बसला, त्यानंतर तो लोणावळ्यामध्ये आला आणि आता त्याने वंदे भारत एक्सप्रेस पकडली. स्ट्राईक रेट त्याचा वाढलाय. यावेळी चांगला चेंडू फॉलो थ्रूमध्ये अडवलाय.
क्रैकिंग शॉट परंतु अगदी डोळ्यासमोर दोन्ही हात आडवे आले आणि स्वतःचा बचाव केला. फॉलो थ्रू मध्ये ज्यावेळी तुम्ही बॉल अडवता तेवढंसं सहजासहजी तुम्हाला शक्य होत नाहीये. नजर ठेवावी लागते कारण बॉल तुम्ही नुकताच डिलिव्हर्ड केलेला असतो, त्यानंतर लगेच तुम्हाला रिॲक्शन द्यायची असते आणि अशा वेळेला तुम्हाला स्वतःचा बचाव करणं किंवा फॉलो थ्रूमध्ये एखादा झेल घेणं तितकंसं सोपं राहत नाही आहे. इथे गोलंदाज विठ्ठलने ते करून दाखवले, बॉल थांबवले, डॉट बॉल आलाय. धावसंख्या 51 धावा 3 गडी बाद. हाफ ट्रॅकर बॉल, बॅटची कडा घेतली आहे, कमी गतीने टाकलेला बॉल, शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ आणि अखेर एक मोठी विकेट. फलंदाज बाद होतो इथे. संकेत पहा एक्शन रिप्ले मध्ये, फिंगर रोल केले उजव्या हाताच्या संकेतसाठी, कमी गतीचा बॉल टाकला, बॅटला ब्रश झालाय, चायनीज कट किंवा लेमन कट ज्याला आपण म्हणतो, कॉट बेंड विकेट आणि हा जल्लोष होता विठ्ठलचा. संकेत बाद, 14 बॉल मध्ये त्याने धावा काढल्यात 29, धावसंख्या 51 4 गडी बाद. परंतु डगआउटमध्ये टाळ्या देखील वाजले संकेतनी, ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली आपल्या टीमसाठी. आदरणीय रणजितदादा आरपुडे यांनी देखील त्याचं स्वागत केलं. एक चांगली खेळी संकेत जाधव. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झाले अक्षय. अक्षयवर नजर असेल या मॅचमध्ये, अक्षयला आपण पाहणार आहोत. अक्षय वाशिवले खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाला. हा देखील एक चांगला खेळाडू, प्रतिभावान खेळाडू, प्रतिभासंपन्न खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात. मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान हनुमाननगर क्रिकेट प्रीमियर लीग पर्व 8वं. यावी बॉल पुढे टाकलाय, लेन बॉल पिक केला आणि पाठवलाय काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आले आले अक्षयच्या बॅट मधून तडाखा, येतोय षटकार, रन मिळतील 6. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पहा, पुढे टाकला बॉल, डोळे विस्पारले, ओर पिच बॉल आणि त्याच्यावर हल्ला चढवलाय, डगआउट मधून सेट होऊन आलाय हा खेळाडू असं चित्र पाहायला मिळालं. पहिल्या बॉलवर षटकार, धावसंख्या आता पोहोचली 57 धावा 57, लॉस ऑफ 4 विकेट्स. विठ्ठल तयार, यावेळी नो लुक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, भरपूर एलिव्हेशन आणि झेल देखील सुटलाय, डीप मिड विकेट मधून बॉल चाललाय, सीमा रेषा पार, यावी येतोय चौकार, धावा मिळतील 4. 36वा चौकार आला इथे अक्षयच्या बॅट मधून, दोन बॉल फेस केले षटकार आणि चौकाराची भाषा तो बोलतोय. त्याने सांगितले चांगली फलंदाजी करायची आहे. 5व्या षटकाचा खेळ संपलाय, एका षटकामध्ये 19 धावा इथे खर्च केल्या विठ्ठलने. चांगली सुरुवात केली होती या षटकामध्ये, संकेतला बाद केलं, परंतु अक्षयने सांगितले संकेत बाद झाला असेल परंतु टीमवर त्याचा दबाव नाही आहे. 500 स्ट्राईक रेटने 10 धावा त्याने 2 बॉलमध्ये काढले आणि अखेर 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 61 धावा स्कोर कार्डवर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात शिवनेरी स्ट्रायकर असं इथे पहिल्या डबात फलंदाजी करत असताना सिंहगड योद्धाच्या विरोधात. अजून 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. भैरवीचं षटक स्लॉग ओव्हर. हॅलो हॅलो, पंच सरांना विनंती आहे, हॅलो हॅलो, की वेळ वाचवा, सामने जेवढे पटपट चालू होते तेवढे करा, प्रत्येक सामन्याला टाइम द्या, 25 मिनिटात तुमच्या ओव्हर झाले पाहिजेत सर, विनंती आहे वेळ वाचवा बर का. धन्यवाद लिंबाजी सर. आदरणीय लिंबाजी सरांचा आवाज आपण ऐकला, त्यांनी काही सूचना दिलेल्या आहेत. वेळेचं मोल जपा, वेळ तुम्हाला अनमोल बनवेल. प्रत्येक षटकासाठी प्रत्येक इनिंगसाठी तुम्हाला निर्धारित वेळ दिलेला आहे आणि त्या वेळेत तुम्हाला या षटकांची पूर्तता करायची आहे. ऑन फील्ड ऑफिशियल्सना देखील विनंती आहे, आपण देखील लक्ष ठेवा. तर 5 षटकांचा केस संपलाय, धावसंख्या 61 धावा 4 गडी बाद. विठ्ठल थोडासा महागडा ठरल्याने आता शेवटच्या षटकाची जबाबदारी कृषांत. शांत ठेवेल का? कृषांतचा पहिला चेंडू आउटसाठी ऑफ स्टंप, चौथ्या स्टंपवर बॉल होता, तिथून ऑन साईडला खेळलाय आणि अगदी खेचून आणलाय असं मी म्हणेन. आडव्या बॅटने खेळलाय, एक धाव इथे प्राप्त होते. सिंगलच्या जोरावर धाव फोले पुढे चालले, 61 धावा 62. टीमचा कॅप्टन कृषांत, शांत ठेवेल असंच चर्चा रंगेल, कानमंत्र दिला जातोय. कृषांत हा टीमचा कॅप्टन आहे, पण अनेक वरिष्ठ खेळाडू टीममध्ये आहेत, त्यांच्याकडून थोडासा कानमंत्र मिळालाय कृषांतला. आणि पहिल्या बॉलवर सिंगल त्याने खर्च केली, धाव फलक 62 पोहोचलाय 62. 4 गडी गमावले, स्ट्रायकिंग गेला अक्षय, 2 बॉलमध्ये 10 धावा त्याने काढल्यात. कृषांचा चेंडू खोलवर टप्प्याचा, त्यानंतर पहा नॉन स्ट्रायकिंग एंडला दाख, संतोषच्या शरीरावर आदळलाय बॉल, परंतु क्षेत्ररक्षकाला देखील हुलकावणी दिली या बॉलने. क्षेत्ररक्षक थोडंसं खराब, बॅकअप इथे चांगला, तोपर्यंत एक धाव इथे प्राप्त झाली.
आणि सिंगलच्या जोरावर आता धावफलक 63 वर पोहोचतोय 63. शेवटचं षडक किती मोठं टार्गेट इथे प्रस्थापित केलं जाईल सिंहगड टीमच्या समोर. सिंहगड योद्धा या संघाच्या समोर किती धावांचं आव्हान असणार. पुन्हा एकदा चांगल्या लाईनचा चेंडू सरळ बॅटने खेळलाय आणि पहा खराब क्षेत्ररक्षण. आणि एखाद्या बोगद्यामध्ये ज्यावेळी ट्रेन प्रवेश करते तेवढंच अंतर इथे पाहायला मिळालं. यावेळी मी असं म्हणणार नाही की सुईमधून धागा काढलाय कारण ते तेवढं अंतर नव्हतं, इथे भरपूर अंतर होतं. अगदी दोन खेळाडू गेले असते पायामधून, एवढं अंतर दोन पायांच्या मधून हा बॉल पोहोचलाय. चेंडू फर आणि हा चौकार येतोय. 68 धावा. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, थोडस अपील, डॉट बॉल देखील आलाय. सर्व संघांना विनंती आहे की जेवण लवकर लवकर करून घ्या बरं का. सर्व संघांना विनंती आहे जेवण करून घ्या, नंतर जेवण गेलं संपून तर बघा. परंतु त्यानंतर थोडीशी चूक, लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा बॉल डाव्या स्टंपच्या बाहेर चाललाय, डावी एसटीच्या बाहेर. व्हाईट बॉलचा सिग्नल नाही आहे, बॉल लागलाय शरीराला. त्यामुळे हा बॉल इथे असेल फिअर डिलिव्हरी, डॉट बॉल. शेवटचा बॉल आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, क्रॉस बॅट, परंतु टायमिंग होत नाहीये, प्रॉमिसिंग नव्हता. एक इथे पूर्ण केले, सिंगल मिळते आणि सिंगल बरोबरच या डावाची इथे समाप्ती होतीये. पहिल्या डावाचा केस संपलाय. शिवनेरी स्ट्रायकर्सने पहिल्या डावामध्ये धावा बनवल्यात 69 धावा आणि 70 धावांचं लक्ष असेल. संतोष 6 बॉलमध्ये 7 आणि पहिल्या डावाचा लेखाजोगा अगदी काही क्षणांमध्ये आपल्या स्क्रीनवर असेल. कशा पद्धतीने पहिल्या डावाची समरी राहिली, 36 बॉलमध्ये 70 बनवायचे आहेत. फलंदाजांचं पृथक्करण पाहूया, फलंदाजी कशा पद्धतीने राहिले. दुसऱ्या डावानंतर ही संपूर्ण मॅच समरी असेल, पण तूर्तास पहिल्या डावाचा खेळ ते संपलाय. नेक्स्ट मॅचच्या टॉससाठी या. नेक्स्ट मॅचचा टॉस इथे होईल, दोन्ही टीम विशाळगड फायटर्स आणि तोरणा ट्रॅकर्स बोधी कॅप्टन टॉससाठी आणि तिथे आमच्यासोबत जोडले जातील टॉससाठी अशी अपेक्षा करूया. आमचे समालोचक मित्र इथे जोडले जातील. तुर्तास दोन्ही टीमचे कॅप्टन घ्या, आपण नाणेफेक घेणार आहोत. हॅलो, चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन घ्या. नेक्स्ट मॅचचा टॉस आपण घेणार आहोत तोरणा ट्रॅकर्स आणि विशाळगड फायटर्स. बोधी कॅप्टन आपल्याला विनंती आहे टॉससाठी या. आपण पाहतोय मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान आयोजित हनुमाननगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 आठवं पर्व आणि त्यातच सरांना विनंती, वेळ वाचवा सर बर का सर, प्लीज वेळ वाचा, तुम्ही प्लेअरला सांगा पटपट. विशाळगड फायटर्स टीमचे कॅप्टन आणि त्याचबरोबर तोरणा ट्रॅकर्स दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती आहे त्वरित या, वेळेचं बंधन आहे त्यामुळे त्वरित या. नेक्स्ट मॅचचा टॉस इथे होईल. आज पहिला दिवस या स्पर्धेचा, अतिशय दर्जेदार आणि नेटकं आयोजन, आठवं पर्व आणि त्यातच सर्व. आज आठव्या पर्वातील पहिल्या दिवसामध्ये अनेक रंगतदार सामने आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. घर बसल्या जे मायबाप कडे रसिक आमच्यासोबत जोडले गेलेत आपलं देखील स्वागत. यूट्यूबला जा, टेनिस क्रिकेट .in लॉग इन करा आणि आनंद घ्या हनुमाननगर क्रिकेट प्रीमियर लीगचा, क्रिकेटचा रंगारंग सोहळा या ठिकाणावरून आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. दोन्ही टीमचे कॅप्टन, शेवटचा कॉल तोरणा ट्रॅकर्स आणि विशाळगड फायटर्स आपल्यासाठी शेवटचा कॉल, त्वरित नाणेफेकीसाठी या.
तर दुसऱ्या डावाला देखील सुरुवात होते. सामना इथे चालू राहील आणि आता प्रेझेंटेशन बॉक्स मधून जाऊया. आदरणीय निर्मल सरांना विनंती करतो की आपण या आपल्या शुभास्ते हा नाणेफेकीचा कोल आपण इथे घेणार आहोत. तोरणा ट्रॅकर्स विरुद्ध विशालगड फायटर्स या दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपल्या प्लेइंग लिस्ट घेऊन आलेले आहेत. आपले हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. एका बाजूला संघनायकाच्या भूमिकेत विशालगड फायटर्स साठी टीमचे कॅप्टन प्रथमेश गोवळकर, तर दुसऱ्या बाजूला तोरणा ट्रॅकर्स सुमित आणि त्याचबरोबर आमचे निर्मल सर आहेत. यांच्या शुभास्ते हा टॉस होईल. नेक्स्ट मॅच टॉस इथे घेतला जातोय प्रेझेंटेशन बॉक्स मधून. तोरणा ट्रॅकर्स विरुद्ध विशालगड फायटर्स. काट असा कॉल दिला गेलाय. विशालगड कॅप्टन आणि ते छापा म्हणजेच तोरणा ट्रॅकर्स या संघाने टॉस इथे जिंकलाय. मान्यवरांना विनंती करतो की आपण आमच्या सोबत थांबा. टॉस जिंकलाय तोरणा ट्रॅकर्स, काय निर्णय असेल? गोलंदाजी करण्याचा निर्णय तुम्ही घेतलाय. क्रुशल मॅचेस आहेत आज डे वन मध्ये. या आधीच्या सामन्यांचा एकंदरीत चित्र तुम्ही पाहिलेलं आहे. गोलंदाजी घेत असताना त्यामागे कोणती रणनीती ठेवली आहे? ह्यांना कमीत कमी स्कोर करून करण्याचा हे करू, थांबवण्याचा कमी कमी स्कोरमध्ये आणि चांगला खेळ करू आतमध्ये. किती धावांपर्यंत रोखण्याचा इथे नक्कीच इरादा असेल? 50-60. खूप खूप शुभेच्छा. 50-55 म्हणजे रोखण्याचा प्रयत्न असेल. विशालगड फायटर्सचे कॅप्टन आमच्या सोबत आहेत. तुम्ही टॉस जिंकला असता तर काय निर्णय घेतला असता? बॉलिंगचा निर्णय घेतला असता. बॉलिंगचा निर्णय तुम्ही घेतला असता, परंतु आता टॉस हारलाय, फलंदाजी करायची आहे. किती धावांपर्यंत मजल मारता येईल? तुम्ही आम्ही 70-80 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू. तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा. वेळेचं बंधन आहे. दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा आहे. सो लेडीज अँड जेंटलमॅन, न्यूज फ्रॉम प्रेझेंटेशन बॉक्स. तोरणा ट्रॅकर्स वन इट टॉस अँड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. जाऊया समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. शुक्रिया गोपी. वेलकम बॅक. सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हनुमान नगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 और सिंहगढ़ योद्धा बनाम सुंदर स्ट्राइकर. ये बहुत ही बड़ा मुकाबला. प्रारंभिक बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल आप देख रहे इस वक्त सलाम एंड अमीर सालम और अमर की जोड़ी मैदान के अंदर. आकाश गेंदबाजी कर रहे हैं. दो चौके बल्लेबाज सालम के बल्ले से. एक फ्लाइंग स्टेप, एक पॉइंट, एक कवर, उसके साथ एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है. लॉन्ग ऑफ बॉडी नेट पर मौजूद है आकाश. क्लीन बॉल, 100-100 की एक लोहार की चारों का निश्चित. शॉर्ट सिलेक्शन बहुत खराब था. सालम बैक टू द पवेलियन. आकाश को सफलता मिली है. डगआउट के अंदर देखिए बिल्कुल वो तालियों की आवाज. 32 गेंदे, 62 रनों की जरूरत है. एक्शन रिप्ले देखे. ज्यादा शफल हुए थे. गेंद के ऊपर निगाह नहीं थी. लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी. सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन आकाश द्वारा. पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए सिंहगढ़ योद्धा कृष्णांक जाधव, राजेश चांबुलकर, अथर्व बेगडे, विवेक उत्तेकर, शानू पठान, विठ्ठल कदम, समीर सातपुते, रामदास कदम, इमरान पठान, अमर शिर्के, गणेश लंगे, मंगेश कोळी, सालम शेख, सनी कागडे, अविनाश गायकवाड, रोहन कोंडरेम, ऋषिकेश गभाने, तन्मय पांबरे. टीम के ओनर अमित मराठे. सिंहगढ़ टीम को जीतने के लिए 70 रनों का लक्ष्य और फिलहाल बल्लेबाज न्यू बैटर मंगेश बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. मंगेश कोहली इस बार लेग स्टंप की तरफ गेंद थी. अच्छा स्ट्रोक फाइन, लेग बाउंड्री की तरफ गेंद जा रहे. पीछा करते हुए खिलाड़ी गेंद को नहीं रोक पाएंगे. बॉल लेने के बाद 4 रन. टिप पाक अगर देखे तो बिल्कुल मिडिल लेग स्टंप पर था. बल्लेबाज थोड़ा ऑफ टंप के बाहर रहे थे तो ये लाइन बहुत खराब थी आकाश की. उसका भरपूर फायदा मंगेश ने उठाया और गेंद को खेल दिया. फाइन लेग बाउंड्री लेने के बाद 4 रन करे. चौके की मदद से स्कोर 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. इस ओवर में 3 चौके आए हैं, एक बिंदी गेंद और एक विकेट. 5 गेंदों का खेल. मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान प्रेजेंट हनुमान नगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 आठवां संस्करण. सिंहगढ़ योद्धा बनाम सुंदर स्ट्राइकर. ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी. इस बार ड्राइव करने का प्रयास. गेंद के पीछे तक नहीं थे. थोड़ा शरीर से दूर, आंखों से दूर खेलते हुए बल्लेबाज.
गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ, आखिरी गेंद पर बिंदी है। पहले ओवर में स्कोर 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। तोरणा स्ट्राइकर्स, प्रतापगढ़ फाइटर्स, सिंहगढ़ योद्धा, सुंदरी स्ट्राइकर्स, उसके साथ अगर देखें तो आज संतुलित टीमें बिल्कुल है इस प्रतियोगिता में। शानदार खेल, शुरुआत बहुत बढ़िया, शानदार आगाज के बाद, उद्घाटन समारोह के बाद राजगढ़ योद्धा, पुरंदर पैंथर्स, विशालगढ़ फाइटर्स, रायगढ़ इलेवन, दत्तात्रेय गायकवाड़, आसिफ कलमानी, गणेश शिंदे, विलास खड़े, संतोष टोक, बापू वाघमारे, अमित मराठे, रंजीत हारपोड़े, टीम के ओनर सभी का आभार प्रकट करना चाहेंगे। जो हमारे स्पॉन्सर है उनका भी आभार प्रकट करना चाहेंगे, जिस तरह से ये टूर्नामेंट सफलता की ओर बढ़ रहा है। दोपहर का सत्र समय ज़्यादा ले रहे, इतना समय नहीं लेना है आपको, मैच कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये चौथा मुकाबला, उसके बाद में चार मुकाबले, 2:34 का समय हो गया है। सुंदरी स्ट्राइकर बनाम सिंहगढ़ योद्धा, पहले ओवर के बाद स्कोर 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। मंगेश चार पर बल्लेबाजी करे, अमर ने अपना खाता नहीं खोला, अनिकेत के पास मौका गेंदबाजी करने के लिए। शुभम और अक्षय की जोड़ी मैदान के अंदर, ऑफिशियल के तौर पर इससे पहले संजय भालेराव, अजय आवले, इनको आपने देखा था अंपायरिंग करते हुए। समय बहुत ज़्यादा जाता हुआ, अनिकेत तैयार है, फ्लाइंग स्टेप पॉइंट कावा, डीप स्ट्रक कवर पर खिलाड़ी, मिड ऑफ एक लॉन्ग रन पर बाउंड्री पर खिलाड़ी, ऑन साइड पर देखिए तो तीन खिलाड़ी दायरी के अंदर और एक खिलाड़ी बाउंड्री पर। न्यू बैटर अमर, अच्छा स्ट्रोक, स्ट्रक कवर पर खिलाड़ी तैनात है, स्ट्रोक अच्छा था, फील्डिंग में बढ़िया, बल्लेबाज को अपने ऑफ स्टंप का पता होना चाहिए और गेंदबाज को अपने फील्डर का है उसका पता होना चाहिए। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाज आउट ऑफ द स्टंप, थोड़ा आगे रखा था, स्ट्रोक अच्छा था अमर का, सिंगल के साथ अमर का खाता खुलता है। स्कोर फिलहाल 13 रन एक विकेट के नुकसान पर, 13+1 विकेट। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज मंगेश, स्प्लॉइंग गार्ड 4, रिक्वायरमेंट रेट 11.79 का, 29 गेंदों में 57 की जरूरत। इस बार अच्छी घंटी पकाने के बाद उछालता ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग, विकेट के पीछे सुंदर कैच लपका गया और संकेत ने अच्छा कैच लपका। एक्शन रिप्ले देखे, स्टंप के करीब से गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद उछलता, बैकफुट जाके ऑन साइड पर खेलना चाहते थे और उछाल से थोड़ा परेशान ना बल्लेबाज मंगेश। स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा मुकाबला आप देख रहे हैं टेनिस की डॉट इन के माध्यम से, इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण। तोरणा स्ट्राइकर आशीष यादव, नितिन होसगे, अविनाश निवंगने, अक्षय बोगे, योगेश निमगिरे, केदार कासरुंग, अभिजीत बुबड़, सुमित वर्बे, इरफान निशानदार, प्रताप प्रशांत गावड़े, अमूल किरत करवे, सिद्धेश बोराडे, किरण कदम, प्रणय फाटक, गणेश वाघमारे, शुभम भगत, साहिल हलंदे, विजय सकपाल, गौरव बघारे, अपनी बोलिंग मार पर अनिकेत तैयार है। न्यू बैटर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, तन्मय, लाजवाब गेंदबाजी, अतिरिक्त उछाल से थोड़ा बल्लेबाज परेशान हो रहे हैं। पहले आपने विकेट प्राप्त किया तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, सुंदर गेंदबाजी कर, टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद अंदर की तरफ आई, शानदार गेंदबाजी करे, सटीक लाइन पर अनिकेत की गेंदबाजी और टिप्पा बिल्कुल चौथे पांचवें स्टंप की तरफ रख रहे, गुंडी पार पर टिप्पा खाने के बाद उछाल बिंद रहा है अनिकेत के लिए। इस तीन गेंदों में एक रन और एक विकेट। खराब शॉट बल्लेबाज का, फुट टॉस गेंद थी, वाइड यॉर्कर गेंदबाज अनिकेत का, पहली दो गेंदें गुंडे स्पॉट पर थी, ये बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ रखा था, शॉट अच्छा नहीं था बल्लेबाज तन्मय का, रनों के लिए जूझना पड़ रहा है संघर्ष मैदान के अंदर। स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सिंहगढ़ योद्धा बनाम सुंदरी स्ट्राइकर, दो बड़ी टीमें मैदान के अंदर। इस बार ऑन साइड पर हवा में उछाला, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे, क्या तो इतना आसान नहीं है, रनिंग कैच आपको लेना था, आंखों से दूर का या स्ट्रोक खेलते हुए गेंद बिल्कुल काफी ऑफ टाइम के बाहर, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, गेंद की तरफ जाके या गेंद के लाइन में आके बल्लेबाजी नहीं हो रही है, रिक्वायर्ड रेट 14 की तरफ बढ़ रहा है। स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर दूसरा प्रगति पर है, सुंदर गेंदबाजी अनिकेत द्वारा, 15+2 विकेट, चेसी का टारगेट 70 रन, तन्मय ऑन स्ट्राइक, स्प्रिंगल 2,
Aniket on his bowling mark. Look at this fielding. Ted Ben, go and cover. Deep is struck up at mid off. इस बार ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक क्योंकि खिलाड़ी दायरे के अंदर है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाते भी चार रनों के लिए मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। ये पसंदीदा स्ट्रोक है बल्लेबाज अमर का क्योंकि पहले स्टंप के बाहर का गार्ड है इनका टॉस के अंदर देखे तो बल्लेबाज स्टंप के तो मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को अच्छा स्ट्रोक और दायरे के अंदर खिलाड़ी था तो चतुराई के साथ बल्लेबाजी तन्मय द्वारा स्कोर दो ओवर के बाद 19 दो विकेट के नुकसान पर। अनिकेत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है जिन्होंने 7 रन दिए और एक विकेट चटका। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा वक्त बहुत ज्यादा जा रहा है। रिक्वायर्ड रेट 12.75 का है 24 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए और गेंदबाजी में परिवर्तन फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ। अनिकेत पोल गेंदबाजी करने के लिए आए और इससे पहले अगर देखें तो इम्पोर्टेंट ओवर गेंदबाज अनिकेत मोरे तो अनिकेत इस टीम में अनिकेत पोल और अनिकेत मोरे स्कोर अब 24 गेंद 51 समय बहुत ज़्यादा जा रहा है वक्त आपको ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ये मैच समाप्त होने के बाद और चार मैचेस आना बाकी हैं। उन सेट पर लॉन्ग ऑन है एक खिलाड़ी इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर मौजूद है मिड विकेट और फाइन लेग चार खिलाड़ी ऑन साइड पर बल्लेबाज अमर के लिए। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक है लाजवाब बल्लेबाजी सिंगल एक बार फिर मिला तन्मय को मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने के लिए और इसी सिंगल के साथ स्कोर 20 रन दो विकेट के नुकसान पर। मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान प्रेजेंट हनुमान नगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 सियागढ़ के खूबसूरत मैदान पर आप ये शानदार टूर्नामेंट देख रहे हैं वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट ऑल इज वेल। नाउ तन्मय ऑन स्ट्राइक स्कोर 20 प्लस ऑफ टू विकेट अनिकेत हवा में उछाला बॉडी लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे क्या ये कैच हो जाएगा कैच नहीं है गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाते भी डोंट बी वायलेंट बी साइलेंट एंड शो योर टैलेंट ब्यूटीफुल स्ट्रोक वेलकम सिक्स। गेंद वैसे खराब नहीं थी लेकिन जिस तरह से क्रीज के गहरे का इस्तेमाल हुआ और गेंद को उड़ाया था आसमान की तरफ तारामंडल में तन्मय ने सेंसिबल बल्लेबाजी अमर के दो पर बल्लेबाजी कर रहे और मौका दिया तन्मय को सिंगल लेके 22 गेंद में 44 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। रिक्वायरमेंट रेट अब 12 की तरफ चला गया 12 रन आपको 12 के अवसर से रन बनाने हैं। अनिकेत अपने बॉलिंग मार पर तैयार टिप्पा कॉपी ऑफ टाइम के बाहर अक्षय निर्मल व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं मिस्टर इस्टा से आंकड़े बदलते हुए देखिए काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद है और छेड़छाड़ी करने की कोशिश तन्मय द्वारा 70 का टारगेट करंट रेट 11.57 का है। अपनी बॉलिंग पार पर गेंदबाज आने के तैयार हवा में उछाला मिस टाइम स्ट्रोक है डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक बार फिर पीछे खिलाड़ी का दारी के अंदर एक्स्ट्रा कवर पर दारी के अंदर खिलाड़ी मौजूद था कैच छूटा है रफीक ने कैच छोड़ा है भाई कैच छोड़ा या मैच छोड़ा है 70 रन आपको बनाने हैं तो एक एक गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। कैच छूटा सपना टूटा मुकद्दर रूटा देखिए सबसे बड़ा एक बार फिर दिल किसका टूटा गेंदबाज का क्योंकि विकेट बिल्कुल यहाँ मिलना चाहिए था जीवनदान बल्लेबाज को मिला है 28 दो विकेट के नुकसान पर। ओवर रहा तीसरा प्रगति पर सिंहगढ़ योद्धा टीम के लिए 70 रनों की जरूरत है ऑन साइड पर दो खिलाड़ी बाउंड्री पर ऑफ साइड पर तीन खिलाड़ी टप्पा करने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद तारी के अंदर खिलाड़ी मौजूद है ऑन साइड पर एक रन लेने का मौका 8 गेंदों में 16 रन की साझेदारी तन्मय और अमर के बीच तन्मय के अंदर तीन पर तन्मय ने 13 रन बनाए हैं। अनिकेत का ये ओवर जिसमें अभी तक कितने रन आए वो भी एक बार हमारे स्कोरर बताएंगे। बैकवर्ड जाके ऑन साइड पर पुल जरूर किया है लेकिन टाइमिंग इतना अच्छा नहीं है गेंद यू टर्न लेते भी चली गई फाइन लेग बाउंड्री लेग की तरफ दो रन मुकम्मल किए तीसरे के बारे में सोच रहे मन बना लिया 3 रन पूरे किए हैं। विकेट के बीच अच्छी दौड़ चतुराई की 7 बल्लेबाजी और ये 3 रन मुकम्मल किए 3 रनों के साथ आंकड़े बदलते हुए टोटल बन गया फिलहाल 32 दो विकेट के नुकसान पर।
और ये तीसरा ओवर है, 6 ओवर का ये मुकाबला, 70 ओवर का लक्ष्य। अनिकेत अपने बोरिंग मार पर तैयार, बैकवर्ड जाके कट करना चाहते थे गेंद और बल्ले के बीच को सब कर करे चकमा देते विकेट चले गए विकेट कीपर की तरफ, रन बनाने का कोई एक बार फिर मौका नहीं। इस बार थोड़ा क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया गया था, एंगल क्रिएट किया गया था, टप्पा खाने के बाद उछाल था, कट करने के लिए गए तो बिल्कुल पीछे जाके खेलने की कोशिश, रूप बना के खेलने का प्रयास बल्लेबाज तन्मय द्वारा, लेकिन बात नहीं बनी है। अनिकेत तैयार, राइट अप मोर द विकेट, इस बार हवा में खेलते हुए अच्छा स्ट्रोक है, बॉल यहां पर खिलाड़ी है, इनके पास कोई मौका नहीं है, खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना एक का तभी दिखाना जब सामने बादशाह हो। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, एक्सलेंट बैटिंग बाय तन्मय अमर, देखे किस तरह से कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छा कदम ताल, गेंदबाज का हुआ बुरा हाल, गेंद बॉल लेने के बाहर, 6 रन, बल्लेबाजी बेमिसाल, और स्कोर चल रहा है घोड़े की चाल, गेंदबाज भूल गए अपना सुर और ताल। अब जाकर क्या इस मैच में, अब 10 गेंदों 25 रनों की साझेदारी, तन्मय का बल्ला बुन रहा है, अमर ने एक बार फिर यहां रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, आखिरी विकेट मंगेश का, 4 रन इन्होंने बनाए थे। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, 3 ओवर 38 दो विकेट के नुकसान पर, 18 गेंदों का खेलाना बाकी और जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। आपके स्क्रीन पर आप देखिए tenniscricket.in द्वारा ये ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर है। नाउ रिमेनिंग 18 deliveries एंड नीड 32 रन टू विन दिस मैच, रिक्वायर्ड रन बिल्कुल अब 11 के नीचे आ गया क्योंकि पिछला ओवर अनिकेत का महंगा साबित हुआ। अनिकेत का बॉलिंग विश्लेषण, 2 ओवर 26 रन 1 विकेट, 10 गेंदों में 25 रनों की साझेदारी, अमर और तन्मय के बीच 18 गेंदे 32 रनों की जरूरत है, 18-32 अनिकेत, अनिकेत मौर्य, अनिकेत पोल, अनिकेत पोल जिनके ऊपर बिल्कुल पूरा दारोमदार था। Now remaining 18 deliveries and need 32 run to win this match. फक्त नम्र विनंती है, जास्त वेळ घेऊ नका कारण हा चौथा सामना आहे, इथून अजूनही 4 सामने शिल्लक आहेत। बल्लेबाज तन्मय बस सोलो पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अनिकेत मोरे गेंदबाजी करने के लिए तैयार, राइट अप ओवर द विकेट, ऑन साइड पर गेंद को पुल किया, मिड विकेट पर बॉल पर खिलाड़ी तैनात, लिया कैच आउट, वारे वारे आपके वारे नारे कमाल कर रहे मैदान के अंदर अनिकेत मोरे, अच्छा कैच मिड विकेट पर लिया गया, सिद्धार्थ ने कैच लिया और जब एक अच्छी कहानी बन रही थी, मोमेंटम बन रहा था आपके लिए, लेकिन ये जो बल्लेबाज जो है ना लेग स्टंप के बाहर बिल्कुल खड़े रहते हैं और ऑन साइड पर खेलने की कोशिश की, वहां थोड़ा सा फंस गए। अब 18 गेंदों में 32, 17 गेंदों में 32 आंकड़े बदलते हैं, रिक्वायरमेंट बिल्कुल वो 11 के नीचे था, एक डॉट बॉल एक विकेट से कहानी में पलटवार, वो शेयर मार्केट ऊपर चला गया, अब 11 के ऊपर 12 की तरफ चला गया है। चौथा ओवर 38 3 विकेट के नुकसान पर, तो इसीलिए क्रिकेट में बिंदी गेंद और विकेट का महत्व तो बहुत ज्यादा है। सुंदर स्ट्राइकर और सिंहगढ़ योद्धा के बीच आज के दिन का एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, समीर न्यू बैटर, समीर के ऊपर भी सबकी निगाह रहेगी, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है समीर, 7 पोते। अपने बोरिंग मार पर अनिकेत मोरे तैयार, बैकवर्ड चले गए और गेंद को बिल्कुल गली क्षेत्र में खेल दिया, खराब फील्डिंग, 1-2 कम से कम 2 रन लेने का मौका है और इसी 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता, ये भी बहुत अच्छी गेंद थी अनिकेत मोरे द्वारा, टप्पा खाने के बाद उछालता, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर डाला था और tenniscricket.in द्वारा एक्शन रिप्ले आपको दिखाया जाएगा, योगेश हमारे अपडेटर हैं, शाहरुख कैमरामैन, HPL सीजन 8, अनिकेत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है। इस बार आसमान की तरफ हवा में गेंद, क्या भागने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं है, मारा कम घसीटा ज्यादा, समीर के बल्ले से जबरदस्त स्ट्रोक, ये देखिए एक बार फिर स्ट्रोक किस तरह से इन्होंने खेल दिया था, पहले से तैयार थे और हमला
इस पक अनिकेत मोहरी के ऊपर डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी था, उनके पास कोई मौका नहीं था, खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने, दर्शनीय स्ट्रोक, विश्वसनीय स्ट्रोक का बल्लेबाज समीर का। स्कोर इसी के साथ 44। टिप्पा खाने के बाद उछलता पॉइंट क्षेत्र में खेलना चाहते थे, इसी के साथ आंकड़े बिल्कुल बदलते हुए अभी तक देखिए तो 26 सिक्सर इस प्रतियोगिता में आए हैं। 14 गेंदों का खेल, जीतने के लिए बस 24 रनों की जरूरत है। 46 तीन विकेट के नुकसान पर 70 रनों का टारगेट। समीर 8 पर बल्लेबाजी करें, पहली गेंद पर उन्हें सिंगल लिया था और दूसरी गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को खेल दिया था। एक विश्वसनीय स्ट्रोक बल्लेबाज समीर का। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, चकमा देते हुए गेंद चले गए विकेट कीपर की तरफ, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। देखिए एक बार फिर ऑफ टाइम के बाहर मन बना के खेलना चाहते थे, गति परिवर्तन किया गया था अनिकेत मोरे द्वारा। जबरदस्त बैटल मैदान के अंदर, स्कोर 46 तीन विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की बात कर तो आखिरी गेंद शेष है, 70 का लक्ष्य, 13 गेंद 24। अच्छी गेंद और बढ़िया फील्डिंग दायरे के अंदर फाइन लेग पर, तो क्या बैटल चल रहा है, जबरदस्त बैटल मैदान के अंदर चल रहा है। 12 गेंदों का खेल और 12 गेंदों में जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। यह आंकड़े एक बार फिर आपके स्क्रीन पर है, टेनिस क्रिकेट .in द्वारा सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं इस मशहूर टूर्नामेंट का, हनुमान नगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024। और अब इंटरेस्टिंग मैच है, 12 गेंदे 23, समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, 12 चौंडू 23 ऐसा समीकरण है। वेळ पुन्हा एकदा आपण पाहू शकता, अक्षेंद्र बेल आपल्या घड्याळ दाखवत असताना चर्चा बहुत हो रही है, चर्चा इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा भी होता है, समय नहीं है क्योंकि चौथा ही मुकाबला है और फिलहाल 2:50 का समय हो गया है और आपको और 4 मैचेस पूरे करने हैं। आखिरी विकेट तन्मय जिन्होंने बनाया 16 रन 8 गेंदों का सामना किया, आकाश अपनी बोरिंग पर तैयार। बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, जोरदार अपील, लेकिन क्या उछाल था वो भी देखा जाएगा। लेग बैक का इशारा अक्षय निर्मल ने किया, एक एक रन बहुत महत्वपूर्ण होगा, एक एक बॉल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब टीबी अंपायर संजय बालेराव, अजय आवले, टीबी अंपायर बिजी हो जाएंगे। संजय बालेराव बहुत ही फेमस अंपायर है, अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं और उसके साथ पुणे नगर की जितनी प्रोफेशनल टूर्नामेंट है उसमें अंपायरिंग करते हुए संजय बालेराव, अजय आवले को आप देख रहे हैं। इस साल सिरसा चैंपियन ट्रॉफी और नजीबुल्ला जैसे फेमस टूर्नामेंट अक्षय निर्मल ने की है, शुभम उनका साथ दे रहे हैं। HPL सीजन 8 और नॉट आउट, अक्षय नॉट आउट, 11 गेंदे 22 रनों की जरूरत। टप्पा खाने के बाद उछाल था जिसका मैं जिक्र यहां से कर रहा था और इसीलिए मेरे हिसाब से संजय बालेराव ने नॉट आउट दिया है। रिव्यू है आप ले सकते हैं, वो आपका हक है, लेकिन रिव्यू अनसक्सेसफुल हो जाएगा तो बिल्कुल उसके बाद में आपको दोबारा रिव्यू लेने का मौका नहीं मिलेगा, रिटर्न नहीं हो जाएगा। 5वां ओवर, समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, बल्लेबाज अमर ऑन स्ट्राइक, स्प्रिंग ऑन 9, स्कोर 48 प्लस 3 विकेट। आकाश अपने बोरिंग मार पर तैयार, 70 रनों का लक्ष्य, थर्ड मैन पॉइंट क्या हुआ, स्टेक अवे, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, पटकी में गेंद टपा करने बाद उछाल था, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे, लेकिन तीन खिलाड़ी है इस वक्त, विकेट कीपर भाग रहे थे, एक फाइनल का खिलाड़ी भाग रहा था, स्क्वेयर लेग पर खिलाड़ी वो भी भाग रहा था, लेकिन इंटेन बहुत अच्छा आकाश का। टेनिस क्रिकेट .in द्वारा एक्शन रिप्ले अगर देखेंगे तो अच्छा बाउंस है, अच्छा बाउंसर था आकाश का। ये देखिए एक बार फिर टिप्पा खाने के बाद उछाल था, एंगल अच्छा और चौथे स्टंप से बिल्कुल ऑफ स्टंप के ऊपर आती भी गेंद, लेंथ बहुत बढ़िया, सुंदर कंट्रोल अनुशासन के साथ गेंदबाजी आकाश की तरफ से। 11.31 के अवसर से रन बन रहे हैं, रिक्वायर्ड रन बिल्कुल अब 13 की तरह करीब चला गया है। 7 गेंदों में 11 रनों की साझेदारी समीर और अमर के बीच, अपने बोलिंग पार पर आकाश तैयार,
इस बार सुंदर गेंद, अपने कंधों का अच्छा इस्तेमाल, या खतरा हो सकता है। समीर भाग रहे थे, अमर रन लेना चाहते थे, ताल में बिल्कुल कमी आई, एक ही हो रही थी मांग, ताल में की कमी कर बल्लेबाज का काम हो गया तमाम। 10 गेंदों में 21। ये देखिए एक्शन रिप्ले, बल्ले को लगी, शरीर को लगी, वहीं पर लुड़की, विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया और अमर बैक टू द पेबल। बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आकाश नौपर के तरह 7 गेंदों का सामना किया इस उम्र में। आकाश की जबरदस्त गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंहगढ़ योद्धा बनाम शिवदरी स्ट्राइकर आकाश इंदुलकर, गुड बॉलिंग। करंट रेट 10.89 का है। अमर 5 गेंदों में 10। विवेक उत्तेकर जिनके ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और विवेक बुद्धि के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। 9 गेंदे 21। मैच अभी भी बना हुआ है, मैच में बिल्कुल आप अभी भी बने हुए हैं। रिक्वायरमेंट 14 की तरफ चला गया। टप्पा खाने के बाद उछालता सुंदर गेंद, वेल क्या चल रहा है खेल। बल्लेबाज फेल, गेंदबाज असरदार, सरदार आकाश इंदुलकर, ब्यूटीफुल बॉलिंग। लुक एट दिस बॉल, just pitching out of the batsman, going on to the back foot and looking for that cut shot. There is no contact between bat and ball. Ball going behind the wicket and there can be no run. Excellent bowling by Akash Tendulkar. Score 49/4. Bar cut karna chahte the, copy of time ke bahar gain, white ball. Dekhiye confidence hai na kisi bhi khel mein jaan dalta hai. Aur confidence hai na jaan leta hai. To yahan se एक एक गेंद अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। 8 गेंदे 20। एक छोटी सी गलती है ना, बिल्कुल आप यहां मैच से बाहर जा सकते हैं। जीत और हार के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये लड़ाई। स्कोर 50, 4 विकेट के नुकसान पर। अपने बोरिक मार पर आकाश तैयार, विवेक ने अपना खाता नहीं खोला, इज ऑन स्ट्राइक। ऊपर गेंद थी, एक्रॉस करने की कोशिश, गेंद फाइंड बाउंड्री की तरफ जा रही है, पीछा करते हुए खिलाड़ी, गेंद नहीं रुकने वाली और 4 रन, बल्ला लगा है। देखिए एक बार फिर किस तरह से स्ट्रोक खेला गया, काफी लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, खराब गेंद थी और उसके ऊपर भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज विवेक ने। लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, 7 गेंदे 16 रन, क्या मुकाबला ही है। ओहो, एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस, संकट के समय में हर छोटी चीज बिल्कुल काउंट हो जाती है। हमारे स्कोरर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 7 गेंदे 16, सभी के आपके स्क्रीन पर, और बताने की जरूरत नहीं है हमारे बंदे को मिस्टर सौरभ। इस उम्र की कहानी देखिए तो लेग बाय, सिंगल, डब्लू, उसके बाद में एक बिंदी गेंद और ये चौका आया, मोमेंटम दोबारा बल्लेबाजों की तरफ आ रहा है। इस बार बाहरी किनारा, पीछे खिलाड़ी है, क्या रोक पाएंगे। ओ सुंदर, बहुत बढ़िया खेल मैदान के अंदर, या खतरा भी हो सकता है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, गलती तो आप नहीं कर सकते, अगर गलती करेंगे तो परेशानी हो सकती है। 6 गेंदे और 14 रनों की जरूरत है। रिक्वायरमेंट बिल्कुल, वो जो मैच शुरू हुआ तब 11 के नीचे था, अब ये 5वां ओवर समाप्त होने के बाद रिक्वायरमेंट चला गया 14 की तरफ। 6 गेंदे 14 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। दोनों बैटर विवेक, तुमचा टाइमिंग संपला है, त्यामुळे एक प्लेयर अक्षय, जे 5 प्लेयर बॉडी लेवल वरती असतात त्यापैकी एक प्लेयर सर्कल मध्ये आणावा लागेल, कारण एकूण आपण बघितलं तर 8 सामने आहेत, त्यामुळे टाइमिंग लावणं देखील गरजेचंच आहे। हनुमान नगर प्रीमियर लीग 2024 आपण या ठिकाणी पाहतोय, अत्यंत सुंदर नीटनेटक आयोजन या संपूर्ण स्पर्धेचं। सुरू असलेल्या सामन्यामध्ये अमित मराठे आणि रणजित हरपुडे या दोन संघ मालका दरम्यान ही प्रतिस्पर्धी लढत आपण पाहतोय। 6 चेंडू 14 परंतु लागतो सर्वांच्या जीवारी जिंकण्यासाठी धडपड सारी। हनुमाननगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 जिंकण्याची झाली तयारी, पाहूया कोण पडते कोण बरबारी। 6 चेंडू 14 धावांची आवश्यकता, 10 बॅट पॉइंट कव्हर। गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज जलाल, विवेक 6, समीर 9। या बेला फटका तर सुंदर सजवलाय मिडविकेटच्या दिशेनं, क्या बात है। ध्येय मोठा असेल तर झेप देखील मोठी घ्यावी लागते, हे बॅट्समन समीरने ओळखले आणि पहिल्या चेंडूवरती पुलचा अतिशय नेत्रदीपक फटका मिडविकेटच्या दिशेनं षटकार।
सत्तावीस षटकार या आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये आलेत. जलालचं स्वागत. ओहो हो, काय स्वागत झालं षटकारनं. समीर सरका कसलेला फलंदाज मैदानावरती आहे. आठ चेंडू आणि पंधरा धावत त्यानं कुठले आहेत आतापर्यंत. सहाव्या षटकातले पाच चेंडू शिल्लक आहेत. पहिल्या चेंडूवरती षटकार टुटवलाय. जलाल पुन्हा एकदा सज्ज असतील. थर्ड मॅन पॉईंट, कबर पॉईंट, इस्ट कबर, लॉग ऑफ, लॉग ऑन, मिड विकेट, स्क्वेअर लेग पर खिलाडी तैनात. इस बार भी पुल की ऑन साइड पर डिस्को लेग बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए चार रनों के लिए. ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है. अभी तो मारा है छक्का, चौका भी बाकी है. ये तो सिर्फ झाकी है, असली पिक्चर आना बाकी है. समीर का बल्ला बोल रहा है. बेहतरीन बेहतरीन बल्लेबाजी समीर द्वारा. अब चार गेंदों में चार रन, मतलब पलटवार हुआ इस मुकाबले में. पलटवार, पहले छक्का उसके बाद में चौका और गेंदबाज हक्का बक्का. बल्लेबाज का इरादा है पक्का. मैग्निफिसेंट बैटिंग, सुपर बैटिंग. पहली दो गेंदों पर हमला अनुभवी खिलाड़ी समीर के बल्ले से. नौ गेंदों में 19, 66 चार विकेट के नुकसान पर चर्चा करने के लिए मजबूर किया. सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए. लेकिन दोस्तों चर्चा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा चर्चा होती है तो खर्चा होता है. पहले पांच ओवर पूरा करने के लिए आपके पास जो समय था वो आपने एक बार पे इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं किया है. आखिरी विकेट अमर का 10 रन बनाए, पांच गेंदों का सामना किया, चार गेंदों में चार. कौन करेगा पलटवार? अपनी बोरिंग मार पर नजर तैयार गेंदबाज जलाल. क्या वो करेंगे कमाल? बल्लेबाज समीर, ये अच्छी गेंद है. एक अच्छी गेंद आपको डालनी थी. सुंदर मुकाबला मैदान के अंदर. कभी धूप है तो कभी भी छाया है, यही तो इस खेल की माया है. दो अच्छे स्ट्रोक, उसके बाद में गेंदबाज ने कमबैक किया है. ये कमबैक है या वेलकम बैक, ये आने वाले तीन गेंदें बताएगी. स्ट्राइक रन पर समीर. समीर प्लेइंग ऑन 19 एंड आउट रिमेनिंग थ्री डिलीवरीज एंड नीड फोर रन टू विन दिस मैच. अंपायर क्या इशारा करेंगे? ओ, एक अच्छी गेंद आपने डाली और उसके बाद में खराब गेंद. बीमर गेंद है, नो बॉल. अक्षय निर्मल का बिल्कुल इशारा आप देख रहे हैं. बीमर गेंद थी. अब आंकड़े क्या बता रहे हैं? जीतने के लिए 70 का लक्ष्य, दो रनों की जरूरत है. तीन गेंदें, दो रनों की जरूरत है. सौरभ शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन काम आप कर रहे हैं. और अगली गेंद फ्री हिट, क्योंकि अक्षय निर्मल ने सुदर्शन चक्र भी घुमाया है. क्या बल्लेबाज बल्ला घुमाएंगे, क्या गेंदबाज एक अच्छी गेंद डालेंगे. जलाल कर सकते हैं, उनके पास वो काबिलियत है, कर सकते हैं, कर सकते हैं. मैंने पहले कहा, जोरदार अपील. अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है. सुंदर, बहुत ही शानदार खेल मैदान के अंदर. ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. विकेट कीपर ने कैच पकड़ा, बिल्कुल गेंद को पकड़ा, कैच नहीं पकड़ा, क्योंकि इस वक्त इंपोर्टेंट मैच बीट किया था. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं था. 70 का टारगेट और आपके पास दो गेंदे, दो रनों की जरूरत है. जबरदस्त बैटल, विवेक ऑन स्ट्राइक. ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया गैप में, सुंदर स्ट्रोक है. गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही है. दो रन लेने का मौका और इसी के साथ सियागढ़ योद्धा सेलिब्रेशन करने का भी मौका मिलेगा. शूनरी सियागढ़ के बीच एक जबरदस्त बैटल और उस बैटल में सियागढ़ योद्धा मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस. सियागढ़ योद्धा 1/4 विकेट. विवेक पुढची मॅच आहे, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी के बीच चला. पुढच्या संघांनी पण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या पटपट. दोन्ही संघांनी हस्तांदोलन करा आणि लगेचच पुढचा सामना आपण बघणार आहोत. जास्त वेळ घेऊ नका. अजूनही या ठिकाणी चार सामने शिल्लक आहेत. चला तीन तास. हॅलो हॅलो